चाहत कसम नहीं है, कोई रसम नहीं है, दिल हम नहीं है, पाना है तुमको हवा में गाँव जिसका रस नाम जिसका चाहत है जिसका पाना है तुम। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो। तो फ्रेंड आज का वीडियो हम जानेंगे कुछ इस तरह का लिरिक्स डैश स्टेटस एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, जो कि डैश टाइप में है, ऊपर से लिरिक्स पे आ रहा है, तो काफ़ी यूनिक है। वीडियो को एंड तक वाच जरूर कीजिएगा। तो फुल वाच कर लेते हैं ना, आपको ये लिरिक्स बनाना यूं ही चुटकियों में समझ जाइएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो इस वाले जो कलर करेक्शन पिक को कैसे करते हैं, तो कलर करेक्शन करने के पिछले वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको बताया कैसे कलर करेक्शन कर सकते हो वीडियो पिक को। तो ध्यान से वीडियो देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड इसको इस वाले ऐप का भी लिंक उसी वाला वीडियो में मिल जाएगा, तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से इस वाले ऐप को डाउनलोडिंग कर लें। तो फाइनली ये ऐप रहा, इसको ओपन करते हैं। कुछ इंटरफेस ऐसा दिख रहा है, हो जाने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो उसके बाद इस पर टैप कर लेना है। टैप करने के बाद सीधा आपको यहाँ पे आपको पिक पे सेलेक्ट कर लेना है, कैची वाला ऑप्शन टैप कीजिएगा। अब पिक हम बनाए था, इस ये सब पिक को कलर करेक्शन कर चुके थे, तो सारे पिक को हम ऐड कर लेते, लगभग 10-12 पिक को ऐड कर लेते हैं। तो इसको कलर करेक्शन किया था पिक आर्ट से, तो कर लीजिएगा, पिछले वाला वीडियो देखिएगा कैसे किए थे, तो आप जान जाइएगा। तो हम कर लेते हैं इसको ऐड, पूरा ऐड कर लिए, 15 पिक को ऐड करते हैं। इस वाले सिंबल टैप कीजिएगा तो एंड हो जाएगा, मतलब इंपोर्ट हो जाएगा। इंपोर्ट हो जाने के सीधा आपको म्यूजिक ऐड करना, बैक आइए म्यूजिक पे टैप करके। उसके बाद यहाँ पे आपको शेयर वाला आइकन होगा, जो एस्टेक का ऑप्शन होगा कैप कार्ड में, उसी वाला सिंबल होगा, सिंबल सिर्फ जानिए। उसके बाद एडिट तो यूं ही हो जाएगा, क्योंकि लैंग्वेज इसका जो है ना चाइनीज भाषा में, तो इसीलिए आपको अंग्रेजी भाषा में तो नहीं है, तो चाइनीज भाषा में तो आपको सिंबल क्या चीज़ का क्या चीज़ सिंबल है, जैसे म्यूजिक का ये सिंबल हो गया, सॉन्ग का, सॉन्ग का, वीडियो का, जैसे हो गया ये सिंबल याद रखिए, लोगो उसका, तो उसी से एडिट कर लीजिएगा इजीली। तो इस वाले टैप कीजिए, उसके बाद हम सॉन्ग इससे वीडियो सॉन्ग निकालेंगे, इस टैप करते हैं, इस वाले टैप करते हैं, ये हो गया है। उसके बाद यहाँ पे सुन लेना है, तो मैच चेट कैसे करना है, पहले ये ऑटोमेटिक चेट ले लेता है ये, तो देख कैसे लेता है। तो म्यूजिक पे टैप करना है, ये झंडे वाला आइकन है, तो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं पता नहीं, अंग्रेजी कमज़ोर है, तो झंडे वाला आइकन है, तो आपको ऑटोमेटिक चेट देना है, इसमें म्यूजिक बीट, तो इस पर टैप कर दीजिए झंडे वाला आइकन पे, ऑटोमेटिक 100% होगा, ऑटोमेटिक आपको बीट दे कर रखा देगा, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो फिलहाल के लिए हम ऑटोमेटिक नहीं देंगे, बहुत ज़्यादा इफेक्ट ही देता है, इसमें बीट नहीं है इस सॉन्ग में, इसलिए नहीं दूंगा, कैंसिल करता हूँ। सीधा इसको हम प्ले करते हैं, जहाँ जहाँ बीट देना चाहता है, प्लस यहाँ पे देते हैं, प्लस टैप करते हैं, उसको फिर से यहाँ पे देते हैं एक, उसको फिर एक यहाँ है, प्लस टैप करते हैं। इसी तरह से आपको सारे पे बीट देना, बीट देने के बाद सीधा आपको पिक को आपको ड्यूरेशन बढ़ा लेना, तो पिक पे टैप करते हैं, ड्यूरेशन आपका फर्स्ट लिरिक्स कहाँ है वहाँ तक रख लीजिए, वहाँ तक रख लेंगे, सेकंड में भी उसको भी सेट कर लीजिए, और थर्ड में भी उसको भी सेट कर लीजिए, और फोर्थ में भी उसको भी सेट कर लीजिए। सारे पिक को सेट कर लेना है अपने बीट के अनुसार, जहाँ जहाँ आपका लिरिक्स का क्लिप चेंज हो रहा है वहाँ पर आपको पिक को क्लिप चेंज कर लेना, तो उसे पिक को ऐड कर लीजिए। उसके बाद पिक पे एनिमेशन देने के लिए पिक पे टैप कीजिए, यहाँ पे 4 नंबर पे होगा स्टार, स्टार वाला आइकन, उस पर टैप कीजिए, उस समय वेट कीजिए, थर्ड नंबर वाला पे आ जाना, थर्ड नंबर वाला आ जाना है, तो यहाँ से 1, 2, 3, 4 ऐसे गिन के आपको 53 नंबर पे आ जाना, तो 53 नंबर पे हम आ जाते हैं, तो हम 53 नंबर पे आ जाते हैं, वही वाला इफेक्ट लगाने के लिए। तो फ्रेंड इसका जो इफेक्ट है कुछ ये है, ये वाला इफेक्ट है, तो इसको हम ऐड करेंगे, ये दोनों इफेक्ट को, तो इसको हम से ऐड करते हैं, ये दोनों इफेक्ट को, क्योंकि फिर से दिखा देते हैं आपको, कुछ ये दोनों इफेक्ट हैं, इसको ऐड करते हैं, 50 के अंदर है, 50 के बीच में है ऐप, मतलब जितना ये वाला इफेक्ट जो भी लगा है ये है, तो आपको 50 नंबर गिन लेना है, उसके अंदर में ये वाला इफेक्ट ढूंढना है, तो ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि लिखा हुआ नहीं है तो इसलिए नहीं बता पाऊँगा, तो चाइनीज लैंग्वेज में है। तो इसके बाद इस पर हम
इस वाले पिक पर लगाते हैं इफेक्ट, उसे डाउनलोडिंग नेट कनेक्शन ऑन कर लेना है, उसके बाद इसका ड्यूरेशन बढ़ा दीजिए, ये पिक जितना भी होगा इफेक्ट है ना वो डाउनलोडिंग होगा, तो उसमें सेकेंड में भी हम ये ऐड करते हैं, पर इसको भी ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं, थर्ड में भी ये करते हैं। कैपकार्ड में जैसे हम बढ़ाते थे ना, जैसे इसमें जाते थे तो यहाँ से भाग जाता है, इसमें देखिए भागता नहीं, ये कमाल का दिया है। तो इसके बाद यहाँ पे फिर से वही करते हैं, फिर से इस पे जाते हैं, फिर इसमें वही बढ़ा देते हैं, 1-2 करके सेलेक्ट कीजिएगा, दोनों इफेक्ट जो था उसी को चेंज करके कर लीजिएगा। एंड तक करने के बाद सीधा आपको लिरिक्स लिखना है। लिरिक्स कैसे लिखेंगे, सीधा बैक आ जाइए, पूरा अभी पूरा नहीं बैक करना है, एडिटिंग में रहना है, तो प्लस इवन यहाँ पे होगा टी वी आइकन, तो टी वी आइकन पे टैप कर दीजिए, एबल प्लस पे टैप कीजिए, एप प्लस पे टैप कीजिए, उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका लिरिक्स है सॉन्ग का सुन के आपको जो भी लिरिक्स है, फिलहाल का मेरा ए लिरिक्स है ये वाला जो हम टैप कर लिया हूँ, उसके बाद यहाँ पे जो है ना यहाँ पे आ जाना है स्टार्टिंग वाला ऑप्शन पे, यहाँ पे स्क्रॉल कर लीजिए, स्क्रॉल करने के बाद सीधा आपको यहाँ पे जो है ना डैश वाला ये वाला इफेक्ट है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद इस पे फिर बैक आइए, फिर से पेंसिल आइकन पे टैप कीजिए और उसको फिर बैक आइए, उसके बाद यहाँ पे फोन चूज करना, तो फोन चूज करने के लिए इसको स्क्रॉल कर लीजिएगा, तो उसके बाद इस वाले एरो पे टैप कर लीजिएगा, तो देखिए कैसे इसको स्क्रॉल कर लीजिए, इस वाले एरो पे टैप कीजिए, नीचे स्क्रॉल कीजिए, कौन कौन फोन देना चाहते हैं, फिलहाल मैं ये फोन यूज किया था तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, नहीं तो ये भी कर सकते हो, तो फिलहाल के लिए हम रखते हैं यही वाला फोन, इसको ऐड करते हैं, उसके बाद फिर बैक आइए, उसके बाद यहाँ पे पेंसिल आइकन पर टैप कीजिए, उसके बाद यहाँ पे एनिमेशन देना, तो एनिमेशन देना के लिए थर्ड नंबर पे आ जाइए, तो उसके बाद जो भी लिरिक्स का एनिमेशन है तो दे दीजिए, तो फिलहाल के लिए हम लिरिक्स का एनिमेशन नहीं देंगे तो आउट देंगे, सिर्फ लिरिक्स कहाँ से ख़त्म होकर जाएगा तो वो देंगे, तो फिलहाल के लिए हम आउट ऐसे देंगे, तो ये वाला दे देते हैं आउट, काफ़ी यूनिक अच्छा लगा ये वाला ऐप, तो ऐसे दे देते हैं, इसका आउट है 0.3 कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे 10 वाला इफेक्ट लग गया है, तो लग गया है कुछ ऐसा वीडियो बन के रेडी हो जाएगा, क्योंकि ये जो है सेकंड लिखने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना, तो कॉपी कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे सेकंड आपका जो भी है लिख लीजिए, तो सॉन्ग तो नहीं आ रहा है, प्ले भी करेंगे सुनाई तो नहीं दे रहा है क्योंकि अटैच है, इसी वजह से सुनाई नहीं दे रहा है, तो ये देख लीजिए सेकेंड लिरिक्स लिख लीजिएगा, सेकेंड लिरिक्स यहाँ तक होगा लिख लीजिए, इसको छोटा कर लीजिएगा, ऐसे छोटा करने में थर्ड लिरिक्स जैसे लिखना है तो इसी को पे टैप कीजिए, लिरिक्स पे कॉपी कर लीजिए, इसको बड़ा कर लीजिए यहाँ तक, ऐसे ही लिख लीजिएगा सारे लिरिक्स को, तो लिरिक्स लिखने में सीधा वीडियो की इस तरह से दिखाई देगा, काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो इसके बाद यहाँ पे फिर से इस पे टैप कीजिए, इस पे ये वाला आइकन पे, अब वहाँ पे फिर से इस पे वाले आइकन पे टैप कीजिए, यहाँ पे आपको जितना FPS रखना चाहते हैं।